पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज की शाम बुद्धि विहार सेक्टर बी स्थित गोपालपुर के लिए बहुत अहम थी। यूं तो आयोजन एक गरीब परिवार की बिटिया की शादी का था, मगर इसे खास बनाने के लिए मेजबानी करने पहुंचे थे आओ हाथ बढ़ाएं के सदस्य। ग्रुप के हर सदस्य के चेहरे पर चमक थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी का ही ब्याह हो। इसीलिए सबने मिलकर भरपूर दान दहेज का इंतजाम किया था ताकि कोई कमी ना रह जाए। इस ग्रुप ने सारी व्यवस्था आपसी मदद से ही की थी, ना तो किसी तरह की सरकारी मदद ली गई और ना ही किसी बाहरी लोगों से चंदा मांगा गया। किसी ने दिल्ली से सहयोग और उपहार भेजा तो किसी ने मुंबई से, यहाँ तक कि संस्था से जुड़े गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली तक से बिटिया के लिए सहयोग भेजा गया। उसके लिए हर जरूरत की सामग्री का ध्यान भी रखा गया। संस्था की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे कहती हैं कि मुरादाबाद समेत कई शहरों के सदस्यों ने इस शादी में घराती बनकर बारातियों का जोरदार स्वागत किया। बिटिया के लिए कोई भाई बन गया तो कोई दीदी, किसी ने आंटी की भूमिका निभाई तो किसी ने अंकल की। बिटिया के पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये कमी उसे खल रही थी, मगर संस्था के लोगों ने इसकी भरपाई करने की कोशिश जरूर की। धूमधाम से बिटिया की विदाई की गई। शादी में लखनऊ से अनिल तिवारी, कानपुर से तेजवीर सिंह भदौरिया, मुंबई से मनोज साहनी, लखीमपुर से के तिवारी, गोरखपुर से संजय मणि, प्रभाकर मणि त्रिपाठी, निशा चटर्जी, बस्ती से नागेंद्र त्रिपाठी, देहरादून से रत्ना श्रीवास्तव, मुरादाबाद से गोपाल हरी, पिंकी सपड़ा, ललिता शर्मा, राघव रस्तोगी, शालिनी भारद्वाज, विभू रस्तोगी, सुधा धारीवाल, अनीता जी, ममता दक्ष, मंजू गुप्ता, जयप्रकाश, अर्पित गर्ग, शोभा के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, आओ हाथ बढ़ाएं, तो उसके द्वारा एक गरीब लड़की की शादी कराने की कोशिश की हम लोगों ने, जो आज संपन्न हो गई सफलतापूर्वक। क्या मकसद रहा है सर? मकसद बस इतना है कि जिनको पूरी तरह से जो सक्षम नहीं है अपना काम करने में, या कोई भी शादी ब्याह हुआ या शिक्षा से संबंधित हुआ या स्वास्थ्य से संबंधित हुआ, हमारा बस ये छोटा सा प्रयास है कि हम उन लोगों तक अपनी मदद पहुंचाएं जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। मुरादाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुरादाबाद की जनता को बस इतना संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हैंड्स काफ़ी लंबे हैं, अगर वो थोड़ी सी कोशिश से, हमारी थोड़ी सी कोशिश से भी किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी भी खुशी आ जाती है या किसी का कोई पर्पज सॉल्व हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हमारी सार्थकता उसी में। आपकी संस्था ऐसे कार्य कब से करती आ रही है? हमने ये कार्य तो हम 2 साल से कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने 2 बच्चियों की शादी कराई है। एक यहाँ पे कुंदन पेट्रोल पंप के पीछे मड़ैया गांव है, वहाँ पे भी एक लड़की की शादी हमने कराई थी। उससे पहले हमने अभी पिछले अप्रैल में हम लोगों ने गोरखपुर में एक लड़की की शादी कराई है। लेकिन प्रॉपरली ये ग्रुप जो है ये अगस्त में हम लोगों ने बनाया था, और इसमें जितने भी हमारे जान पहचान के लोग थे ऐसे ही ऐड किया था कि जो काम मैं अकेले नहीं कर सकती अगर वो 4 लोग मिलके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोशिश करना एक बात है, सफल होना दूसरी बात है। हमारे ग्रुप के सारे सदस्यों ने मिलजुल के और बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। अभी हम 3 बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे एक कॉन्वेंट स्कूल में करा रहे हैं, जिसका पूरा खर्चा हमारी संस्था उठा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक बच्ची लखनऊ में है उसके इलाज के लिए भी हम लोगों ने लगभग 25,000 रुपये इकट्ठे करके चेक भिजवाया था। कुछ लखनऊ में 1-2 लोगों को ब्लड और प्लाज्मा की ज़रूरत थी, हम लोगों ने वो भी अवेलेबल कराया। और अभी आज जो शादी है ये आप लोग देख ही रहे हैं कि कोशिश की है कि उसकी सफलतापूर्वक उस बच्ची की शादी हो, उसे किसी तरह की कोई कमी का अभाव महसूस ना हो। ये सब कार्य करने के लिए धन की राशि कहाँ से आती है? हमारे ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं हम आपस में ही मिलके धन इकट्ठा करते हैं, कहीं से कोई बाहर से हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है। हमारे ग्रुप में जितने भी सारे सदस्य हैं वो सारे जिससे जितना भी संभव हो पाया है उसने उतना योगदान दिया है अपना करने के लिए, और सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।